तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ग्रेट रोल्स के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर प्रदीप सर की जो पूरी टीम है वो लगातार मेहनत कर रही है ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप पर रह सके। सो दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश ग्रामर की। आप सभी से जानते हैं अब तक जो वीडियोस आ रही थी वो 12th स्टैंडर्ड के लिए आ रही थी, अब 10th स्टैंडर्ड के लिए भी आना शुरू हो गई। तो चलिए आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वर्ड चेन से रिलेटेड, जहां पे कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ अ वर्ब, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। अब वर्ब मतलब क्या होता है? एक्शन होता है, यानी जैसे लिखना, गाना, रोना, हंसना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां पे आपको एक वर्ड दिया रहेगा। अब वर्ड चेन में हम लोग क्या करते हैं, वर्ड का जो आखिरी अल्फाबेट रहेगा उसी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं। समझ में आएगा? जैसे मैं लिख के बताऊंगा तो आपको और ज्यादा इजिली क्लियर हो जाएगा। जैसे ई से ईट। ईट क्या है? एक एक्शन है, यानी एक्शन है तो कौन सा वर्ड हो गया, वर्ब हो गया। तो आपको देखो जो वर्ब दिया रहेगा तो आपको वर्ब भी लिखना है, जैसे नाउन दिया रहेगा तो नाउन लिखना, ऐसे आपके वो आपको लिखना रहेगा। समझ में आ गया? ऐसे आपको और वीडियोस आ जाएंगी वर्ब की भी। अब टी से क्या होता है, टी से टॉक होता है तो टॉक लिख दो। के से क्या होता है, के से आपका होता है दोस्तों फुटबॉल को हम लोग क्या मारते हैं, किक मारते हैं। अब यहां पे आपका आता है के लास्ट में वापस आता है, तो इसका क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो दोस्तों इसी तरह से आपको क्या, आपका वर्ड चेन कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन विद द हेल्प ऑफ वर्ड या वर्ब आया तो आपको क्या ये लिखना है, ये सारी चीज आपको इस तरह से लिखनी होगी। तो मेरे ख्याल से आपका अगर ये क्वेश्चन है और आपको वर्ड दिया जाएगा तो आप वर्ब वाली जो वर्ड चेन है वो आपको कंप्लीट कर लोगे। सो आई होप आपको सारी चीज समझी है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और लेटेस्ट एजुकेशन अपडेट के लिए प्रदीप सर का जो दूसरा चैनल है उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जा दोस्तों किस क्या इंतजार करो, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो जल्दी।